सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रिशियन एंड हीटर के छात्रों के लिए ठोस फिगर, सॉलिड फिगर, जो ठोस आकृतियां ड्राइंग होती हैं उनमें से उस टॉपिक से जिसे सॉलिड फिगर भी कहा जाता है, उससे आपको एक कोण की रचना करनी है, कोण जिसे हम शंकु भी कहा जाता है। शंकु और बेलन से इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। तो ड्रॉ ए रेगुलर मेथड ऑफ द कोण ऑफ बेस डायमीटर, जो बेस की डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द 12 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन 2018 फर्स्ट ईयर के एग्जाम में एनसीपीटी इंजीनियरिंग पैड के एग्जाम में आया था, जुलाई 2018। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं मोस्टली मानता हुआ इस टॉपिक से या जेनेटिक फिगर से एक क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना होती है। इसलिए सभी छात्रों से मैं आग्रह करता हूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास में आपको जो मोस्टली टॉपिक है उनका बार बार रिवीजन और बार बार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक उसकी वीडियो भेजी जा रही है, तो सभी छात्रों से मेरा यही आग्रह था जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है मैं मोस्टली टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, तो आपको इस क्लास में आपको कौन जिसे शंकु कहा जाता है, ड्रॉ ए रेगुलर कोण ऑफ द बेस डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। आपको एक रेगुलर मेथड से कोण का बनाना है जिसकी बेस डायमीटर है जो 5 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो आप इन्हें ध्यान रखते हुए डायमेंशन के अनुसार आप सभी जानते हैं और आपको कई बार क्लास में भी बताया गया है, एक बेस जितना होगा उसे 30 डिग्री में लेते हुए पहले इंच जिसे अंडाकार आकृति जिसे दीर्घवृत्ती कहा जाता है उसकी रचना करेंगे। तो बेस 5 सेंटीमीटर होने के कारण आप ये सेट स्क्वायर एक जगह निश्चित रखते हुए ड्रॉइंग शीट पे और इसकी सहायता से जो ये कोण है ये 30 डिग्री का है। 30 डिग्री के कोण से आप पहले बेस 5 सेंटीमीटर का मतलब 50 एमएम, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एमएम होते हैं, ये आप सभी छात्र भली प्रकार जानते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में एमएम ने देकर आपको सेंटीमीटर में यूनिट दर्शाई गई है, इसलिए आप इसे एमएम माने या सेंटीमीटर में नापते हुए और इसे 30 डिग्री लेफ्ट और राइट दोनों पर 50-50 एमएम की दूरी से ये आपने राइट लेफ्ट लिया, इसी प्रकार राइट भी लिया, दोनों तरफ 50-50 लेते हुए अब आप सेट स्क्वायर की सहायता से इसे भी 50 लेंगे और इसे भी 50। अब आप दोनों का सेंटर लेते हुए इसका और इस दोनों का सेंटर लेते हुए सेट स्क्वायर से ये बनेगा, ये आपका वही जो आइसोमेट्रिक में वृत्त बनाए जाते हैं वही उसी प्रकार के आकृति बनकर तैयार। अब आपको ये देखना है कि आपको जैसे वृत्त ये है बनाया जाएगा तो इसमें कौन सी चाप बड़ी है, चार चाप से बनाया जाएगा तो यह चाप यहाँ से यहाँ तक लंबाई जाता है इसकी तरह, तो ज्यादा वाली में प्रकाश रख कम पास रखते हुए ये आपने चाप चाप के दोनों सिरों को जिस जगह कम पास रखा उस जगह आपने 2H पेंसिल से निकाला, कम पास इस जगह रखा तो आपने ये चाप लगाई, इस चाप के दोनों सिरों को 2H पेंसिल से आप कम पास के सेंटर बिंदु पर मिलाया। अब आपने जो दो विकर्ण डाले हैं वे एक दूसरे को जिस जगह क्रॉस करते हैं उन्हें केंद्र बिंदु माने और इससे आप यही चाप लगाएंगे और इससे यही विपरीत दिशा में नहीं लगाएंगे, यह आपका जो बेस बना
जिसे कौन और हिंदी में संकु भी कहा जाता है, जो बनकर तैयार बेस बन गया। अब आप इसकी हाइट जो दी होगी है, ऊंचाई जो 12 सेंटीमीटर होने के कारण आप सेंटर बिंदु को 12 सेंटीमीटर संपूर्ण में लेते हुए सेट स्क्वायर की सहायता से 12 सेंटीमीटर 120 एमएम ये आपने सेंटर से ये पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को आप स्केल की सहायता से सरल रेखा से परिधि पर ये इस प्रकार ये आपका समु बनकर तैयार है, जिसको इंग्लिश में कोण भी कहा जाता है। एंगल अलग चीज होता है, कोण अलग चीज होता है। सी ओ एन ई कोण शंकु को कहा जाता है, जबकि क्यू घन को कहा जाता है। तो सिलेंडर बेलन को कहा जाता है। तो इसी प्रकार आपने शंकु की रचना की है। तो मैं सभी छात्रों से यही आग्रह करता हूँ, अब जो आपको मोस्टली टॉपिक है उन्हें कई बार रिवीजन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करवाया जा रहा है बार बार, और आप इन्हें अवश्य देखें और प्रैक्टिस करें और बनाने का अभ्यास करें। कोई समस्या उसके लिए आप समस्या का हल जरूर निकालें, क्योंकि ये एग्जाम के लास्ट में कुछ मोस्टली टॉपिक है उन्हें आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बार बार पढ़ाया जा रहा है और रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप यह जरूर ध्यान रखें, शंकु को इंग्लिश में कौन कहा जाता है, जबकि क्यों घन को कहा जाता है, सिलेंडर बेलन को कहा जाता है। तो आप सभी छात्रों से मेरा ये याद है, आप ड्रो ए रेगुलर नॉर्म ऑफ द बेस डायमीटर 5 सेंटीमीटर। आपको एमएम में इकाई ने देकर सेंटीमीटर में यूनिट दी गई है, तो सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करते हुए और आप डायमीटर के अनुसार इसे कौन की रचना करेंगे, तो कौन आप शंकु और जो बेलन होता है उनकी रचना दोनों की एक समान होती है। तो आपसे मैं यही आग्रह करता हूँ, आप ऑनलाइन क्लासों को अधिक से अधिक अटेंड करें और जो भी आपको मोस्टली चैप्टर हैं टॉपिक है उन्हें बार बार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा रहा है। थैंक यू।